आईपीएल में चुने जाने के बाद कई खिलाड़ी सीजन शुरू होने से पहले या बीच में टूर्नामेंट से अपना नाम वापस से ले लेते और ऐसा ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी करते थे। इसी कारण से आईपीएल टीमों के मालिक काफी परेशान थे। इसको लेकर खिलाड़ियों पर शिकंजा कसने के लिए बीसीसीआई इस बार नए नियम लेकर आई है। दरअसल आईपीएल टीमों के मालिक पिछले कुछ सालों से खिलाड़ियों की इस हरकत को लेकर काफी परेशान थे। इसको लेकर उन्होंने आईपीएल गवर्निंग काउंसिलिंग से शिकायत भी की थी। दरअसल कई खिलाड़ी ऑक्शन में बिककर टूर्नामेंट से सेलेक्ट होने के बाद अपना नाम वापस लेते थे। वही कुछ खिलाड़ी टूर्नामेंट के बीच अपना नाम वापस लेते थे और ऐसे मामले ज्यादातर विदेशी खिलाड़ियों को लेकर देखने को मिलते थे और इसके सबसे ज्यादा मामले आईपीएल 2024 में देखने को मिले थे, जब T20 वर्ल्ड कप के कारण कई खिलाड़ी वापस अपने देश लौट गए थे। अब बीसीसीआई ने समस्या की सुनवाई की रहते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बोर्ड ने अब आईपीएल 2025 से पहले कुछ सख्त नियम लाकर ऐसे मामलों पर रोकथाम लगाने और शिकंजा कसने की कोशिश की है। नया नियम क्या कहता है आपको बताते हैं। नए नियम के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी प्लेयर ऑक्शन में रजिस्टर करता है और चुने जाने के बाद सीजन शुरू होने से पहले अपना नाम वापस लेता है तो उस पर 2 साल का बैन लग जाएगा। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि वो खिलाड़ी 2 साल तक टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगा। साथ ही वो खिलाड़ी प्लेयर ऑक्शन के लिए रजिस्टर भी नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ आईपीएल 2025 के नियमों को लेकर सभी फ्रेंचाइजी के साथ फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिलिंग ने शनिवार को बेंगलुरु में मीटिंग कर नए नियमों को लागू करने पर मोहर भी लगा दी है, जिसमें गवर्निंग काउंसिलिंग ने मेगा ऑक्शंस के लिए प्लेयर रिटेंशंस और ऑक्शन पर्स के साथ कई नियमों को जारी कर दिया है। इस दौरान एक सख्त फैसला भी लिया गया है।